नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी जैसे भी मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करो, कोई भी सूचना बताऊँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसलिए ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा। और ये आपकी अपनी वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इस पर भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है, आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के टेस्ट की बात करते हैं। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, बिंग सर्च इंजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, बिंग एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बिंग जो सर्च इंजन है उसको किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है और ये आपके कॉमन क्वेश्चन है, यानी कि जीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बी नंबर है याहू, सी नंबर है गूगल, डी नंबर है IBM। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्तों इसका माइक्रोसॉफ्ट, ए नंबर, ठीक है। ध्यान देना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जो मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। और इस वीडियो में आपको लेब्रो ऑफिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि नया सिलेबस ऐड हुआ है, जिससे से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्रो ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो कमांड किस मेनू में होता है, ठीक है। एक माइक्रो ऑप्शन होता है, जिन स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस पढ़ी होंगी उनको मालूम होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं बताना चाहूँगा उनको कि अब ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन का जो ये कमांड या ये ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर एक है टूल्स, नंबर बी है इंसर्ट, नंबर सी एडिट, डी नंबर है होम। राइट आंसर हो जाएगा टूल्स, ठीक है। ये ऑप्शन या कमांड ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन, तो ये पाया जाता है टूल्स मेनू या टाइप होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका जल्दी से थोड़ा करेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि आई होप आप लोगों के पास ज़रा सा टाइम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, टाइम यानी एग्ज़ाम होने वाले हैं आप लोगों के, तो टाइम आप लोगों का वेस्ट ज़रा सा भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस क्यू, बी नंबर है आल्ट प्लस क्यू, सी नंबर कंट्रोल प्लस डब्लू, डी नंबर शिफ्ट प्लस डब्लू। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्लू, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेना फिर उसका आंसर देना, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कन्फ्यूज क्रिएट करने वाले हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DES का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नंबर एक है डेटा इंक्रिप्शन सॉल्यूशन, बी नंबर डेटाबेस इंटरस्लोट, सी नंबर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डी नंबर है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो DES का पूर्ण रूप होता है वो होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो आप रट लीजिएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम का संबंध किससे है। तो जो आप लोग ने इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे, आई होप सभी लोग, तो ऑप्शन एक नंबर है गूगल, बी नंबर है व्हाट्सअप, सी नंबर है याहू और डी नंबर फेसबुक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मैंने इस क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन वीडियो में बताया भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को लॉन्च किया है, डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। तो नंबर एक है 50, बी नंबर है 100, और सी नंबर है 70, और डी नंबर 96। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 96, यानी कि 96, ठीक है, ध्यान देना है क्वेश्चन को। चलिए, अगर आप नोट डाउन कोड करना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके इन फ्यूचर भी काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गूगल क्रोम में
फुल स्क्रीन मोड के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम फुल यानी कि पूरी स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं, तो गूगल क्रोम में वैसे ही फुल स्क्रीन के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है, तो आप लोगों को नंबर एक मिल जाएगा F5, बी नंबर F10 और सी नंबर है F12 था। यहाँ पर थोड़ा हिंदी पार्ट में जब राइट कर रहा था यानी कि लिख रहा था तो थोड़ा टाइप करने में मिस हो गया, तो सी नंबर था F12। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, F11। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, आप नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर इसे। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू मेल में मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम अटैचमेंट साइज कितना होता है, यानी किसी भी फाइल की अटैचमेंट साइज कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर 25 MB, 25 MB सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI किस पर आधारित है, नंबर एक है यूनिक्स, बी नंबर है लिनक्स, सी नंबर MS-DOS, डी नंबर विंडोज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मालूम है तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है, आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, नहीं मालूम होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो नंबर एक है Alt+F, ठीक है, और नंबर बी है Ctrl+F, और सी नंबर है Ctrl+M, और डी नंबर है Ctrl+Shift+F। तो लिब्रे ऑफिस में जो डायरेक्ट यानी फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट कीज होती है वो होती है क्या, सी नंबर Ctrl+M। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जितनी भी बार CCC का एग्जाम हुआ उसमें ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार हाइड किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी आते हैं तो मैं ट्रू फॉल्स भी बताता हूँ आप लोगों को, तो जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसे मैं हाइड कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो मेरी क्लासेस यानी कि स्टार्ट होती है वो 7 बजे के बाद मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन करिए क्लासेज, अगर मेरी क्लासेज आप ज्वाइन करेंगे तो आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली, क्योंकि पिछले बैच के स्टूडेंट यानी जब पिछले मंथ एग्ज़ाम हुआ था तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाए गए अच्छे से उनका एग्ज़ाम भी हुआ और अच्छे ग्रेड से पास भी हो गए, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे खुशी मिली कि हाँ चलो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब हमें बताते फीडबैक देते हैं। तो आई होप अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आप फॉलो करते हैं, तो आई होप आपको पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है। तो अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एवं रिप्लेस की शॉर्टकट कीज Ctrl+H होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ट्रू, कंट्रोल फाइंड यानी कि फाइंड और रिप्लेस के लिए Ctrl+H करेंगे तो आपको दोनों देखने को मिलेगा वहाँ ऑप्शन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि लिब्रे ऑफिस से भी रिलेटेड बनाइए, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के ही हैं, आप देख लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कीज F12 यानी F2 होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, जो हेल्प की शॉर्टकट कीज होती है लिब्रे ऑफिस में वो होती है F1। ठीक है, F1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो टैली जानते ही आप लोगों ने पढ़ाई होगा, टैली एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा फाल्स। ठीक है, टैली एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और अकाउंटिंग ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर आप ट्रू करिएगा, टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तो फाल्स होगा, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तब आप ट्रू करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल एक लैंग्वेज होती है, तो आप आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा कोबोल एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना सर्फिंग कहलाता है, जैसे एक वेबसाइट है दूसरी वेबसाइट में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम सर्फिंग बोलते हैं इंटरनेट की लैंग्वेज में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप किसी से बोल सकते हैं, जब आप कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होता है तो आप जब एक वेबसाइट से या वो जा रहा है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को, तो उससे बोल दीजिए कि आप
इंटरनेट सफरिंग यानी कि सफरिंग कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा, तो आप बता दीजिएगा कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट से जाने के प्रोसेस को हम सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो जो 1000, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1024 MB 1 GB के बराबर होते हैं। ये मेगाबाइट मतलब फुल नेम मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मेगाबाइट मतलब हो जाएगा आप लोगों का MB और जो आप लोगों को गीगाबाइट लगा होगा GB। ठीक है, तो 1024 MB बराबर होता है 1 GB यानी कि 1 GB। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मालूम होगा, राइट आंसर है ट्रू, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक भाषा होती है, तो विंडोज आप लोगों को मालूम ही होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि एक लैंग्वेज यानी कि भाषा नहीं होती, तो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। ठीक है, विंडोज आपकी एक प्रकार क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडम एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स, मॉडम आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, मॉडम क्या होता है, मॉडम आप लोगों का, मॉडम का फुल नेम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन मॉडम का फुल नेम भी आ जाता है कि मॉडम फुल नेम क्या होता है, तो मैंने बताया था मॉड्यूलेटर एंड डेमोड्यूलेटर। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने CCC दिसंबर एग्जाम के लिए अपलोड कर दी, अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए सारी वीडियो, आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए और कमेंट में हमें बताइए, मोटिवेशन के लिए आप लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।